हेलो दोस्तों, हम लोग सीखेंगे आज इन्वर्टर में रिले कैसे फंक्शन करता है। आप देख सकते हैं हम लोग कॉमन में नॉर्मली सप्लाई देते हैं, हम रिवर्स करेंगे इस बार इन्वर्टर के सिनेरियो में। इन्वर्टर में हम एनसी में इमरजेंसी पावर इन्वर्टर का देंगे, एनवो में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आता है वो दे देंगे। अगर यहाँ स्विच ऑफ है तो एनसी के जरिए एनसी का जो पावर है वो कॉमन के जरिए लोड में जाता रहेगा। जब ये स्विच ऑन होगा ये स्ट्रिप को अपने तरफ खींच के इलेक्ट्रिक रिले एनर्जाइज होकर ये स्ट्रिप को अपने एनवो में कांटेक्ट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर लोड फ्लो होता रहेगा। ये स्विच ऑफ है तो एनसी में जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे ही हम स्विच क्लोज है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रहा है एनवो के जरिए कॉमन इनवो के जरिए लोड में जा रहा है, कॉमन में लोड कनेक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से स्विच डिसकनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रिप आके इधर रिले डी एनर्जाइज होगा, स्ट्रिप आके इधर लग जाएगा तो इन्वर्टर का पावर फ्लो होता रहेगा, तो किसी भी हाल में पावर कंटिन्यू रहता है रखेगा। अब इसका कनेक्शन सीखेंगे, हम पर एक स्विच लगा देते ऑन ऑफ के लिए, रिले ऑन ऑफ के लिए। जैसे रिले जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो पावर चले गया, इसका मतलब जैसे स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर आया, स्विच ऑफ हुआ तो इन्वर्टर का पावर चलेगा। हम लोग फिर कॉमन में धीरे धीरे कॉमन में लोड कनेक्ट करेंगे, ये इन्वर्टर के सिस्टम में कॉमन से लोड लेंगे, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से इमरजेंसी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रहा है वो लेंगे। अभी हम दो न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसमें, इसी आपसे एक उठा के हम लोग इनवो में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से एक पावर जो एनसी से हम डायरेक्ट कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से ले जाके एक नॉर्मली ओपन में कनेक्ट करते हैं, ताकि यहाँ से जब पावर ऑन करते हैं तो हम ये कंसिडर करेंगे कि जब पावर ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर आता है, पावर ऑफ करने पर यहाँ से काम नॉर्मली ओपन से भी पावर कट जाता है। अभी कनेक्शन पूरा हुआ, अभी एक बार समझाता हूँ। एक फेज यहाँ ले लिए, यहाँ से जो दो आउटपुट है एक कॉइल के कॉइल में दे दिए, एक नॉर्मली ओपन में दे दिए, ताकि आन कॉइल आने होने पर नॉर्मली ओपन से जो पावर जा रहा है वो लोड कॉमन के थ्रू लोड में जाने के लिए, जब स्विच ऑफ कर देंगे रिले डी एनर्जाइज हो जाएगा तो नॉर्मली क्लोज के ज़रिए जो डायरेक्ट हम लोग दिए हुए बैटरी का वो नॉर्मली क्लोज के ज़रिए कॉमन होते हुए लोड में कनेक्ट हो जाता है। अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी हम लोग पावर दे के देखते हैं, पावर दिए तो स्विच ऑफ है, जैसे ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर आ गया तो रिले एनर्जाइज हो गया, तो ये कॉमन के ज़रिए हम लोग इंडिकेशन चल रहा है। जैसे हम लोग ऑफ करेंगे तो यहाँ से पावर कट जाएगा, अभी यहाँ से जो स्टैंड बाई में जो पावर है वो इधर फ्लो होता रहेगा, जैसे ऑन करेंगे इसके ज़रिए से फ्लो होता रहेगा। ऑफ ऑन करने से इधर कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि स्विचिंग होता है यहाँ से नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में स्विचिंग हो रहा है। जब ऐसे ऑफ में ऑन में यहाँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ऑफ रिले ऑफ मोड में या ऑन मोड में, जैसे अगर हम देखना है तो यहाँ से हम इमरजेंसी पावर हटा देते ताकि फ़र्क पता चले। हम लोग हटा दिए, जैसे ऑन होएगा तभी पावर आएगा, ऑफ करने से पावर हट जाएगा, इंडिकेशन लोड है ना, लोड में पावर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी कोई पावर नहीं आ रहा। अगर यहाँ से हम लोग बैटरी का जो बैकअप है ये जो भी है
हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो स्टैंड बाय रहेगा यहाँ पर, स्विचिंग अपने आप कर लेता है। जैसे बैटरी का पावर है ऑफ होने पर बैटरी के पावर से चलता है, या इन्वर्टर का पावर से चलता है, ऑन होने पर ये नॉर्मली ओपन में जो हम लोग पावर दे रखा है उसी के ज़रिए लोड में कनेक्ट होता है। अगर आपको रिले बेसिक के बारे में जानना है तो मैं पहले एक वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर होल्डिंग स्विच के बारे में जानना है तो उसका भी लिंक मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, देखने के लिए आप देख लें। बेसिक रिले फंक्शन के बारे में सीखना है तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो होल्डिंग स्विच रिले होल्डिंग कनेक्शन के बारे में सीखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना।